हाँ, इसको काफी अपने डिटेल में समझेंगे। एनए की वैल्यू 8 दे रखी है, एनए की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। एन बी की वैल्यू जो रखी है, और एन ए यूनियन बी क्या है, 12 है। एन ए यूनियन 12 है। तो पहला क्वेश्चन तो वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है, और उसको सॉल्व भी नहीं करना था, सारे ऑप्शन में मुझे लग रहा है डेल्टा डेल्टा दिया। तो पहला वो पूछ रहे हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, अपने तो इसको सॉल्व ही करते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए कि हो जाएगा प्लस एन प्लस एन ए, ये बताइए कितना हो गया, 15 माइनस 12। इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन चालू होते हैं, तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको मानूंगा कि आप ऐसा करो कि ए सेट में 8 एलिमेंट मान लो, मैं माना 1 2 4 5, और बी सेट में अपने 7 एलिमेंट होना चाहिए लेकिन 3 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक माना अपने 3 एलिमेंट कॉमन, 1 2 3 को कॉमन ले लिया, और 9 10 11 12, थोड़ा सा फील लेने के लिए कि हो क्या रहा हो, यही कॉन्सेप्ट सही है। अब मुझे बताइए आप एन ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 8 × 8 64, एन बी इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट बताइए टोटल 7 × 7 49। अब मैं ये जानना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि इन एन ए इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन बी में कॉमन रीजन क्या आएगा। तो अब मुझे आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन ए की मैं बात करूं तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 8, 2 के साथ 1, 2 के साथ 8, सिमिलरली ये आते रहेगा। मैं कह रहा हूं कि देखिए एन ए क्रॉस ए करेंगे तो 1 2 और 3 के साथ जो सेट बनेगा ना, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3, और जो इसमें वही कॉमन रीजन आएगा, बाकी कोई कॉमन रीजन नहीं आएगा। जैसे बताइए 1 9 है, वो कॉमन कहां से आ सकता है, इसमें तो 9 है ही नहीं, मतलब कॉमन वाला रीजन कौन है, यही तीन जितने एलिमेंट बनाएंगे आपस में वही दोनों ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी में कॉमन रीजन होगा। तो मतलब 3 से टोटल कितने बन सकते हैं, 9। तो एन ए इंटरसेक्शन ए और एन बी इंटरसेक्शन बी में जो सबसे कॉमन रीजन होगा, जो कॉमन पॉइंट्स होंगे, सेट्स होंगे, वो क्या होंगे, 9। कैसे, देखिए 1 2 3 है, इसमें भी तो 1 2 3 है, इनका ए क्रॉस ए जब करेंगे तो 1 1 1 2 1 3, इसमें भी बी क्रॉस बी करेंगे तो 1 1 1 2 1 3, और बाकी जो एलिमेंट 1 का होगा ना, 1 का 9 से, 1 का 10 से, 1 का 11 से, 1 का 12 से, वो इसमें तो थोड़ी कॉमन है, तो कॉमन क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है उनका आपस में सबसेट सी कॉमन हो। तो टोटल कितना एलिमेंट हो गया, 9। ये इंपॉर्टेंट, तब ये इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी, यूनियन की बात करो, यूनियन की बात करो तो मैं कहूंगा कि एन ए अपने को पता है, ये अपने को पता था कि 64 था और ये अपने को पता था कि 49 था, यूनियन पूछा है तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ गया 113, उसमें से 9 घटा देंगे जो इंटरसेक्शन है, तो कितना आ गया, और ये सेमी क्वेश्चन पूछते क्या इंटरसेक्शन है, तो उसका भी आंसर वही 9 आ गया। तो होप ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चों को आप तैयार रहिए, ये बच्चे आपसे पूछने आएंगे ही, उनको दिक्कत होता ही होता है, उनको एक एग्जांपल लेके, जैसे मैं एग्जांपल लिया था वैसे आप उनको बता सकते, जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं ना 1 2 3 और 1 2 3, उनसे जितने सबसेट्स बनने वाले हैं 3 × 3 9, 3 × 3 9, वही इंपॉर्टेंट है और वही दोनों में कॉमन।
चलिए तो अभी का ये डीपी फिनिश हुआ है, होप आप लोग का ट्रेनिंग अच्छा हो रहा हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।